गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ मैटर। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मैटर, मैटर क्या है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट होती है। थर्ड हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, एंड थर्मोमीटर क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंड इवापोरेशन। मोस्टली इम्पोर्टेंट हम इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्ट, इवापोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, मैटर क्या है। देखो, जो भी हमारे आसपास की जितने भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, उनको आप देखोगे शेप भी अलग होती है, साइज भी अलग भी होती है, और टेक्सचर भी, उनकी बनावट भी आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, मैटर। बात आती है कि मैटर बना किससे होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। तो हमारे आसपास की सारी जितनी भी चीज़ें देखते हो आप, वो सब क्या है, मैटर। बट आपको क्या है, उसकी शेप साइज और टेक्सचर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, तो क्या है कि दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। तो मैटर का क्या है, कुछ ना कुछ मास होगा, और कुछ ना कुछ उसने क्या है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है। देखो जैसे ये बुक है, इस बुक का कुछ ना कुछ क्या है, मास भी है, और उसने कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करके, मतलब उसने जगह, कुछ ना कुछ जगह भी घेर रखी है, ठीक है। तो जैसे हमारे आसपास की चीज़ें देखो, पत्थर हो गया, बादल हो गए, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, सारी आसपास की चीज़ें सब क्या है, मैटर। तो मैटर क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, कुछ ना कुछ उसका क्या है, मास भी है, और कुछ ना कुछ उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है। तो मैटर की स्टेट की तरफ चलते हैं, तो थ्री स्टेट होती है मैटर की। फर्स्ट सॉलिड, एंड सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड गैसियस स्टेट। सॉलिड के अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सिंपली इनको समझाना चाहें, तो देखो जैसे सबसे पहले बर्फ़ है, आइस है, तो आइस क्या है, सॉलिड, ठीक है। जब आइस से पानी बन जाता है तो वो किस स्टेट में आएगा, लिक्विड। जब हम पानी को बॉयल करते हैं, तो जब उससे वेपर निकलते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में। तो सॉलिड का लिक्विड और गैसियस स्टेट, सिंपल वे में आ गया समझ में। वैसे सॉलिड क्या है, अगर हम दूसरे एग्जांपल चेयर टेबल वगैरह, ये सब क्या है, सब क्या है, ये सॉलिड है। सेकंड अगर लिक्विड है, तो अगर वाटर है, अल्कोहल है, ये कौन सी स्टेट में आएंगे, लिक्विड। अगर गैसियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी क्या है, कौन सी स्टेट में आती है, गैसियस स्टेट में। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर को, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, उनकी करैक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल है। थैंक्स।